हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम बायोलॉजी के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं लुसेंट के बुक से। तो ये आज का है 6 एक्सरसाइज, पादप रोग प्लांट डिजीज। तो इससे पहले मैंने और कई सारे वीडियो मीन्स और सारे सब्जेक्ट का बना के डाल दिया है, तो अगर आप नहीं देखेंगे तो पूरा देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये लुसेंट का बुक। देखो स्टार्ट करते हैं, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या होता है। तो पादप रोगों का सबसे जो महत्वपूर्ण कारक होता है वो क्या होता है, फफूंदी जिसे हम फंगस कहते हैं। फिर पौधे को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है, किसके माध्यम से पौधे को प्रतिरोधी बनाया जाता है, जंगली किस्म से प्रजनन करवा के क्या करवाया जाता है, उसको प्रतिरोधी बनाया जाता है। आप एक GM वर्ड आपके पेपर में अब तक सुनते होंगे, जब कोई मॉडिफाई प्लांट बनाया जाता है, सीड बनाया जाता है, उसके लिए हम GM का प्रयोग करते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस GM का फुल फॉर्म बता दो। नेक्स्ट है, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है, मीन्स हरित बाली रोग जो है वो किससे संबंधित है, तो वो है बाजरा से संबंधित। फिर है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये है मूँगफली से, बहुत बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, टिक्का रोग किससे संबंधित है, मूँगफली से। फिर है धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है, तो खेरा रोग होता है जस्ता की कमी के कारण। चह में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, चह से क्या होता है, चह में लाल, चह मीन्स आदमी नहीं होता है, चह आदमी जो पीता है उसको नहीं होता है, चह के प्लांट को होता है लाल रस्ट रोग, तो कौन सा होता है, हरे शैवाल के कारण। फिर है नींबू का कैंकर रोग किससे होता है, नींबू में कौन सा रोग होता है, कैंकर रोग। देखो आपसे ऐसे भी प्रश्न आता है कि कैंकर रोग किसे होता है, तो वो होता है नींबू को, तो इसीलिए क्वेश्चन को भी आपको याद करना होगा। तो नींबू का कैंकर रोग किससे होता है, तो वो होता है जीवाणु बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है हमारा, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुँचाती है, तो कैटरपिलर। नेक्स्ट है, मिली बग किस फसल से संबंधित है, मीन्स मिली बग एक डिजीज है, वो किस प्लांट से संबंधित है, तो है सरसों। फिर है गेहूं से संबंधित रस्ट रोग का कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं, मीन्स गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर जो साइंटिस्ट काम किया उनका नाम क्या है, केसी मेहता। फिर अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है, अग्नि नीरजा रोग ये रेलवे में बहुत बार प्रश्न आता है, अग्नि नीरजा रोग सेब से संबंधित है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, आप सभी के पास मोबाइल होगा, आप उसमें सर्च करना कि सेब जो है वो फ्रूट है या वेजिटेबल है, तो देखना आप सर्च करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको देख के लगेगा सर्च करना। फिर है गन्ने के लाल सरन रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है, कोलेट्रोट्रिकम फॉलकेटम, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है, मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक है, मीन्स मूंगफली में जो भी हम पढ़े हुए थे कुछ देर पहले कि मूंगफली में जो टिक्का रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको उस कवक का नाम, तो क्या होता है, अस्कर्को स्फोरा पसनीटा, ठीक ना, नाम थोड़ा टफ होता है लेकिन याद करना होगा आपको, बार बार देखोगे तब क्या होगा, मीन्स फैमिलियर हो जाओगे, डेट मीन्स अगर आपको ऑप्शन आएगा तो आप क्या करोगे, उसको टिक कर पाओगे। फिर निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है, तो वो होता है एस्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला के चलते। फिर आलू में होने वाले उत्तरभावी अंगमाड़ी रोग के लिए उत्तरदायी कवक, मीन्स उस कवक का नाम पूछा जा रहा है, क्या होता है, फाइटोपेथेरा इन्फेस्टेंस, मीन्स ये क्या होता है, आलू में होने वाले उत्तरभावी अंगमाड़ी रोग के लिए फाइटोपेथेरा इन्फेस्टेंस ये मीन्स उत्तरदायी है। नेक्स्ट हमारा सिट्रस कैकर क्या होता है या किस में होता है, ये क्या है, नींबू का एक रोग है, सिट्रस क्या कर क्या है, एक नींबू का रोग है। फिर है रिंग रोग या रिंग डिजीज के नाम से जाना जाता है, मीन्स रिंग डिजीज
किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शैथिल रोग को, शैथिल रोग को। निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है, मीन्स कौन सा डिजीज जो है इसमें से वो कवक के द्वारा नहीं फैलाता है? तो तंबाकू का जो मोजेक रोग होता है वो कवक से नहीं होता है। और ये सब जितने भी हैं, जैसे मूंगफली का टीका, बाजरा का ग्रीन ईयर रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग, ये सब क्या होता है? कवक के कारण होता है। नेक्स्ट है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारण कौन सा होता है, मीन्स आलू में जो ब्लैक हार्ट एक डिजीज है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है ऑक्सीजन के कमी के कारण, ऑक्सीजन के कमी के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलिखित करना है, तो मैं आंसर बोल दे रहा हूँ सी है, मीन्स गन्ने का सड़न जो होता है वो किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण होता है, मीन्स अभी हम पढ़े हैं कि वो किसके कारण होता है? कवक के कारण, तो कवक को फफूंदी कहा जाता है। फिर है सिट्रस कैकर, ये किस में होता है, किसके कारण होता है? तो ये होता है जीवाणु के कारण, सिट्रस कैकर नींबू में होता है मेनली ये। और आलू का कृष्णकांत रोग जो होता है, कृष्णकांत ने उनका खोज किया था इसीलिए उनका नाम कृष्णकांत रोग ही है, तो कृष्णकांत रोग किसके कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण, जो भी हम पढ़े थे, मीन्स वो रेड कलर का हो जाता है। फिर है गेहूं में सेहू रोग किसके कारण होता है? तो वो होता है कीट के कारण। तो ये था मेरे वीडियो का एंड। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, क्योंकि इसमें काफ़ी कम प्रश्न था और मैं हर लेसन का अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इफेक्टिव वे में, मीन्स जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा, वो मैं वीडियो बनाता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।